तालिबात जमात दहम के तीसरे सबक भोला के चौथी वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है कि पिछले वीडियो आपको समझ में आए होंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आँखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामूजी अभी तक क्यों नहीं आए? यानी भोला को यकीन था कि उसके मामूजी आ गए होंगे, लेकिन वो पूछने लगा, आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, सुबह सवेरे आएंगे। यानी उसे कहने उसने सुलाने के लिए क्या कहा कि सुबह सवेरे आएंगे, सो जाओ। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। एन इसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है, कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो, मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। यानी वहाँ पर मेला लगा हुआ था और इसीलिए बत्ती जलती रहने देने के लिए कहा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, इनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गाँव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। इसके बाद मेरी आँख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चार पाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं ना था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। यानी भोला उस वक़्त वहाँ से जा चुका था। माया माँ थी, इसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई इसे इसी से पूछे। यानी उसका दिल बैठ गया, कलेजा शक हो गया, कट गया। अपना सुहाग लूटने पर इसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के इस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखे मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। इसी के दम से मैं और माया जीते थे, इसी के आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई या वही हमारे जिस्म की तवानाई था। इसके बगैर हम कुछ न थे। यानी जो भोला था उसके बगैर बूढ़े की और माया की ज़िंदगी अंधेरी थी। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। इसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें इसकी नाक बंद करके एक चमचे से इसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। यानी माया बेहोश हो गई थी और उसकी दांत किल्ली बैठ गई थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जो देखते देखते हाथ से चले जाए तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। यानी बूढ़ा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। पहले भोला गुम हो गया, बाद में माया भी बेहोश हो गई। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूँ, माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ और घर में खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किस तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा। खाना ख़राब करना यानी बेवजह किसी तकलीफ़ में पड़ जाना या परेशानी में पड़ जाना। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। इस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर। जब हमारा पड़ोसी हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुँचाने के लिए रवाना हुआ। थाना कितनी दूर था गाँव से? 10 कोस था। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकले पर कुछ सुझाई दे। दफ़तन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। यानी दरवाज़ा खुला और अचानक भोले का मामू अंदर आ गया। भोला इसकी गोद में था, इसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। यानी भोले का मामू आ गया था और उसने वादे के मुताबिक मिठाई और लेकर आई थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत और इसके गोद से भोले को छीन कर इसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी।
भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैंने अपना रास्ता गुम कर बैठा। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं इसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देख कर मैं हैरान रह गया। मैंने इससे इस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो इसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे। चलिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।